स्कूली छात्रों को स्कूल स्तर पर ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव कादीपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्र व छात्राओं को किट वितरित की गई, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। दरअसल भाजपा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने के लिए स्कूलों में ऑटोमोबाइल व ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोर्स शुरू किए गए हैं, जिससे लड़के ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और लड़कियां ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकें। स्कूल के प्रधानाचार्य की माने तो पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी जरूरी हो गई है, जिसे ग्रहण कर स्कूली छात्र व छात्राएं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वहीं सरकार द्वारा बच्चों को टैबलेट भी वितरित किए जा रहे हैं, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ाने का सपना पूरा हो सके। सुदेश राघव, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कादीपुर। सर, जो टैबलेट वितरित किए जाने हैं यहाँ पर, वो उसकी जो लिस्ट है वो विभाग को भेज दी गई है, कितने की जरूरत है या फिर खुद शिक्षा विभाग तय करेगा? जैसा कि हमारे पार्षद महोदय ने अभी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये अग्रणी कदम के बाद ये सभी सरकारी स्कूल्स में कक्षा 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत छात्रों और छात्राओं को ये टैब्स देने की योजना दी गई है, और बल्कि ना योजना बनाई गई है बल्कि ये ऑलरेडी स्कूल्स में उपलब्ध करा दिए गए हैं। सिर्फ सिम एक्टिवेशन का कार्य चल रहा है और वेंडर्स भी बता दिए गए हैं कि किस नेटवर्क का किस स्कूल में ये एक्टिवेशन का कार्य होना है। सर, कितना फ़ायदा छात्रों को इन टैबलेट से होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी शिक्षा पर जो पहले? देखिए, जो टैबलेट में मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए हैं कि बच्चे का और टीचर का सीधा इंट्रैक्शन होगा। अब क्लासरूम तक ही सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि बच्चा घर पर भी रह करके टीचर से कनेक्ट रह सकता है और टीचर बच्चे से कनेक्ट रह सकता है। इनका सीधा शिक्षण और अधिगम में बच्चे को और टीचर को भी पढ़ाने में सीधा इसका फायदा होगा। और ब्यूटी पार्लर की बात की गई है, वो क्या योजना है और उससे किस तरीके से बच्चों को वो वितरित किए जाएंगे और इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये देखिए, एक्चुअली ये NSQF के तहत ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो हमारी हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में इसको लागू किया गया है, और हमारे विद्यालय में 2 कोर्सेज इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। पहला कोर्स हमारा ऑटोमोबाइल जो बॉयज़ के लिए है, और दूसरा हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस जिसमें हमारी गर्ल्स एनरोल्ड हैं। आज जो ये किट का जो वितरण है, जो हमारे Level 2 और Level 4 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किट दी जा रही है, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि मेक इन इंडिया स्किल्ड इंडिया, इसके तहत ये प्रयास है कि बच्चा ना केवल अपना शैक्षणिक ज्ञान अर्जित करे बल्कि वो अपना व्यावसायिक ज्ञान भी अर्जित करे और आत्मनिर्भर होकर के वो छोटा मोटा कोई अपना व्यवसाय अपना कर सके और उसको रोजगार मिल सके। ठीक, धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम सरकारी स्कूल में रखा गया है, क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है, और भविष्य के अंदर कितने दिन बाद जो है टैबलेट जो योजना चल रही है वो कब तक यहाँ तक पहुँच जाएगी? जो आज ये कादीपुर गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं स्किल इंडिया के तहत जो हमारी बेटियां हैं उनको ब्यूटी पार्लर की किट दी जाएगी, और जो बच्चे हैं जो बॉयज़ हैं उनको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किट दी जाएंगी, जिसमें हमारे यहाँ स्कूल में 120 किटें दी जाएंगी, जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्किल इंडिया को लेके चालू की गई है। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स वगैरह भी कराए गए, और स्किल इंडिया के तहत ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी बच्चों ने जिसमें अपना नाम लिखवा के और उसको जो पूरा किया है, तो उसके तहत सरकार के द्वारा उनको आज लगभग 20,000 की लागत से किट दी जा रही है। टैबलेट वितरित करने की बात भी कही है। ऐसा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उस योजना को ई अधिगम योजना को लागू कर दिया है, जो कि मेरा मानना ये है जैसे ही 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अगले महीने मुझे लगता है स्कूलों तक टैबलेट आ जाएंगे, जो बच्चों को जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस जो हम कर रहे हैं उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और सरकार ने हरियाणा सरकार ने जो ये स्कीम लेके आई है ई अधिगम योजना, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो कि हमारे गरीब बच्चों को ये टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। प्रदेश सरकार भले ही स्किल इंडिया के तहत स्कूली बच्चों को स्कूल स्तर पर ही ट्रेनिंग दे आत्मनिर्भर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हो, लेकिन छात्र व छात्राओं का इसका कितना लाभ मिल पाता है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो छात्र इस कोर्स को लेकर काफी उत्साहित हैं।